या उनकी मतलब एक फोर्स थी जिसकी वजह से मैं जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। नया काम मैंने आज, चूंकि पितृ पक्ष चल रहा है, श्राद्धों का पक्ष चल रहा है, मेरे फादर 2010 में एक्सपायर हो गए थे, मेरे दादाजी और दादी जी, हम इन तीनों का हम लोग ही श्राद्ध यहाँ भी करते हैं। वैसे हमारे चाचा जी वगैरह अमृतसर में है, पंजाब में, तो उनका जैसे अपन लोगों में कॉमन होता है कि हम लोग पंडित को बुलाते हैं, खिलाते हैं और सामग्री वगैरह देते हैं। उसके अलावा मेरे मन में था कि जिनका कोई नहीं होता, जैसे सर आपने बोला, उनके लिए हम होते हैं। तो मथुरा वृंदावन में मेरे को कोई लिंक मिला, ऐसा एक साध्वी जी हैं, तो उन्होंने ये बताया कि वो गौ की सेवा करते हैं, गायों को चारा देते हैं, टांगे चलते हैं वहां अभी भी वृंदावन में, घोड़े घोड़ी वाले टांगे। तो उनका मैसेज आया कि 650 रुपए में हम लोग 5 मन टांगा का चारा गायों को पितरों की निमित्त अर्पित करते हैं, प्लस एक आध ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं। तो बस उनसे जुड़ के मैंने उनको शाम को जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन, जितना मेरा सामर्थ्य के हिसाब से मैंने उनको सेंड किया, बहुत अच्छा लगा। और फिर एक मेरी ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गई थी स्कूल की, उसको जल्दी से फिनिश करके इस ग्रुप से जोड़ा। एंड मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इस ग्रुप में जोड़ा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपको जो हम लोगों ने बताया कि जो हमारे कल्ट्स और जो हमारे जो नियम और परंपराओं के बारे में आपको बताया गया, क्योंकि आप एक शिक्षाविद होने के साथ एक बुद्धिजीवी कहते हैं इस देश के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पिलर हैं, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हम लोग को इस चीज़ पे भी अपना एक फीडबैक दें कि जो आपने हम लोग की टेम्पल की जो परंपराएं या जो आपने सुना वो आपको कैसी लगी, या आपको क्या लगता है कि कितनी सही या गलत है। सर बहुत सही है। दिन में आज सुविधा मैम से भी बात हुई थी, वो भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती है मुझे, और बहुत मेहनत करती है अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। और इनफैक्ट मतलब एक स्टेबिलिटी का फेज होता है, एक बिगनर्स फेज होता है और एक स्ट्रगल का फेज होता है। तो वो स्टेबिलिटी और स्ट्रगलिंग वाले फेज के बीच में है, और मैंने उनको बोला मैम वेरी सुन यू विल बी वेरी स्टेबल, यू विल बी वेरी हाई। एक्चुअल में सर जो अपने ग्रुप की परंपराएं हैं, मेरे को लगता है कुछ भी उसमें बाकी नहीं रहा, क्योंकि आप ओम से शुरुआत कर रहे हैं, शांति ओम शांति गायत्री मंत्र से एंड कर रहे हैं, आप उन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैम ने बताया था कि जो जिनको आप जानते नहीं है, मैम गजरौला में हैं, जैसे आपने बताया चंचल मैम सर बिहार से हैं, अशोक सर मैं ग्वालियर से हूँ, आप लोग इंदौर में हैं, मतलब ये इसके लिमिटलेस है, बाउंड्री लेस काम कर रहे हैं आप लोग, और इसकी जितनी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, कम है मेरे हिसाब से। आई हैव नो वर्ड्स। और सर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर जाऊंगा, 2001 से लेके 2011 तक, जब तक मेरे फादर थे, एक वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान में है ग्वालियर में भी, उनके लिए आई वॉज द कोऑर्डिनेटर ऑफ ग्वालियर सिटी। हम लोगों ने बहुत काम किए सर, बहुत काम किए। नारकोटिक्स ब्यूरो है ग्वालियर में, इंडिया का ऑफिस है नारकोटिक्स ब्यूरो ऑफ इंडिया का। 2011 में एक मैराथन आयोजित की गई थी, तो उसका मैं पूरा कोऑर्डिनेटर था, 50,000 लोगों ने भाग लिया था। हम लोगों ने सर फंड रेजिंग करी थी उसके लिए, उस टाइम 5.5 लाख रुपए 2011 में हमने फंड रेज करके। नारकोटिक्स ब्यूरो क्या करता है, जो ये ड्रग्स वगैरह सीज करते हैं ना सर, ये लोग ड्रग कंपनीज को सेल आउट कर देते हैं, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है, या फिर गवर्नमेंट के पास सीज होके चला जाता है। हम लोगों ने सर वो कॉन्ट्रीब्यूशन कैंसर पेशेंट्स को अवेलेबल कराया था। ग्वालियर में एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, स्वर्गीय शीतला साई जी बीजेपी के नेता थे उनके उसमें, तो हम लोगों ने वो वहां डोनेट किया था। तो सर मैं मतलब हमेशा, और बीच में अभी मैं थोड़ा व्यस्त हो गया, वो लाइफ की सबके चैलेंजेस प्रॉब्लम्स एडवेंचर्स लगे रहते हैं, ऐसा ही मेरे साथ भी है। लेकिन मैं कुछ ना कुछ, मेरे को लगता है कि आई शुड डू समथिंग, और मेरे को पता नहीं कैसे मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया, और ये मेरा इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सिर्फ आपके लिए ही ब्लेसिंग नहीं है।